नमस्कार, एनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा किसनी के विधायक ब्रजेश कटेरिया नगर में सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए बताया, राशन डीलरों का उत्पीड़न लगातार किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध एसडीएम व थाना पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। देखिए हमारे संवाददाता अमित चक की रिपोर्ट। किसनी में विधायक ब्रजेश कटेरिया ने नगर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए कहा, सपा समर्थित राशन डीलरों को उत्पीड़न कर एसडीएम व थाना पुलिस के विरुद्ध जल्द ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विधायक ने कहा कि एसडीएम अशोक प्रताप सिंह सत्ता पक्ष के दबाव में सपा समर्थक राशन डीलरों को प्रताड़ित कर रहे हैं। कई राशन डीलरों की दुकानों को निरस्त कर भाजपा समर्थकों के नाम बहाल किया जा रहा है। नैगबाग खिरिया में भाजपा नेता के नाम पर दुकान करने के लिए कई बार चुनाव की तारीखें बदली जा चुकी हैं। एसडीएम के कार्यकाल में राशन की दुकानों को निरस्त व बहाल का खुला खेल हो रहा है। मनीगांव में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने डीएम से भी की है। डीएम के निर्देश पर भी एसडीएम कब्जा कराने वाले के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तहसील व थाने भाजपा नेताओं का कब्जा हो गया है। डीपीआरओ मैनपुरी ग्राम पंचायत अधिकारियों के दबाव में बनाकर ग्राम पंचायत में लगने वाले कूड़ेदानों का 12,000 का भुगतान करवा रहे हैं, जबकि इसकी कीमत सिर्फ 2,000 रुपये है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। उस समय जब हमने किसनी नगर के लिए अलग बिजली घर स्वीकृत करा दिया था, उसके पीछे मेरी मंशा ये थी कि नगर की बिजली अपने आप चलती रहेगी, लेकिन हो ये रहा है कि नगर के अंदर तो लाइट रहती है, लेकिन नगर पंचायत से जुड़े और सारे जो हमारे गांव हैं, जिजई है, नगला घासी है, अर्जनपुर है और तमाम जो गाँव हरी सिंहपुर है, यहाँ पर जानबूझ करके उनकी लाइट काट दी जाती है। और यही नहीं, जो बिजली के बिल आते हैं उन बिजली के बिलों में इतनी ज़्यादा अनियमितता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और यही कारण है कि आज अपने आप को बिजली विभाग इस बात से पीठ थपथपाता है कि मंडल में सबसे ज़्यादा बिजली वसूली हुई, बल्कि दूसरे रूप में इस तरह उन्हें थपाना चाहिए कि मंडल में सबसे ज़्यादा बिजली विभाग के अधिकारियों ने जबरदस्ती मुकदमे लिख करके अवैध वसूली करके यहाँ पर किसानों को गरीबों को परेशान किया है। और बिजली विभाग के अधिकारियों का ये हाल है, कम से कम 5 दिन मुझे हो गए हैं, मैं बराबर एसी से लेकर के जेई तक सबको मैं फोन कर रहा हूँ, किसी का फोन ही नहीं मिलता है। शुभकामना क्षेत्रवासियों को रामकली की तरफ से ये 26 जनवरी शुभकामना बधाई देती है और बाल बच्चों को दुआ देती है। हमारा काम भीख मांगने काम नहीं है, हमारा काम बधाई लेने काम है। हम सब गली में जाते हैं, शादी होती, बच्चे होते हैं, उसमें दान योगदान लेते हैं और इसमें अपना आधा भाग जनता में समाज में खर्च कर देते हैं। समाज सेवका रामकली आलीपुर खेड़ा, ये हमारी मुस्कान भरी चेला है, हमारी ये छोटी चेला है, ये ढोलक मास्टर तेज सिंह है और ये कुछ है हमारे माँ बाप है, मंगला मुखी किन्नर ने अपना मंगला मुखी किन्नर रामकली आलीपुर खेड़ा हिनावासी उर्फ और आलीपुर खेड़ा क्षेत्र जिला मैनपुरी आलीपुर खेड़ा। और जय हिंद जय भारत और मियाँ भाई सलामको हिंदू राम राम। अपना भागवत हो, प्रोग्राम होता है, शादी होती, ब्याह होता है, इसमें दान कर देते, कन्या दान कर देते हैं, रामलीला होता, भागवत होता, मंदिर मस्जिद को एकता लेके चलते, हिंदू मुसलमान की एकता लेके चलते हैं। हमारी मानव जात है, हमारी कोई जात नहीं है, और हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम फकीर हैं, फकीरी की कोई जात नहीं होती है, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, बुराई पे आ जाए तो इंसान बुरा। जय हिंद जय वारिस, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, जय हिंद या वारिस, अल्लाह वारिस, जय साईं, जय बाबा, जय हिंद जय भारत, जय माता की।